आधा घंटे तक तो पता ही नहीं चला कहां ले गए। हमारी भी 10 साल सरकार थी, हमने तो कहीं नहीं रोका। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज हैं, वो तो ओबराय होटल के सामने पहुंच गए थे। उनको भारत सरकार से बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसान के साथ अब पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है। किसानों को तो हर चीज में भाजपा दोषी ठहराती। इस सरकार के कार्यकाल में पत्रकारों की भी मौत हुई, पत्रकारों का भी पीड़न हुआ है। बिना गिरफ्तारी वारंट के उसे रोका गया, लखनऊ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। नागरिक अधिकार उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लगेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। किसान आंदोलनरत थे और जिस बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर करती है। और इस घटना से द्रवित होकर प्रियंका जी सारे कार्यक्रम स्थगित करके लखीमपुर जा रही थी, उसे सीतापुर में रोका गया और जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेन हैंडलिंग की गई, वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और इस घटना की मैं निंदा करता हूं। इस देश में लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार है उसका भी हनन किया जा रहा है। बिना गिरफ्तारी वारंट के उसे रोका गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, पुलिसिया गुंडागर्दी की गई, उसकी भी मैं निंदा करता हूं। धारा 144 लखीमपुर में लगा है, लेकिन लखनऊ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के गृह मंत्री उसको लखनऊ उतरने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लखनऊ जाने से रोका जा रहा है। तो क्या अब नागरिक अधिकार उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लगेगा? क्यों विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है? यदि इस घटना में उनके लोगों का कोई हाथ नहीं है तो विपक्ष को लखीमपुर जाने से नहीं रोकना चाहिए। ये तो दिखाइए, कहां गिरफ्तारी का वारंट, आपके पास कहां कागज है, किस सबूत के आधार पर, किस कागज के आधार पर, किस आदेश के आधार पर आप कह रहे हैं? आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जिसमें वो बोल रही है। लेकिन इसके बाद भी जो है पुलिस नहीं मानी और धक्का मुक्की करके उनके गाड़ी में डाल के वो लोग कहीं ले गए। आधा घंटे तक तो पता ही नहीं चला कहाँ ले गए। बाद में जब बाकी लोग पहुंचे तो जो पीएसी का जो कैंप ऑफिस है वहां पर उनको ले जाके रखा, वहीं पर वो इस समय है। ना कोई गिरफ्तारी के कागज दिखा पा रहे हैं, उनको अवैध रूप से वहां पर डिटेन किया हुआ, हिरासत में लिया हुआ है। यही नहीं, हमारे दो दो मुख्यमंत्री, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इनको भी नहीं जाने दे रहे। इनके जहाज उतरने से रोक दिए गए हैं। वो आदेश की प्रतिलिपि भी आप लोगों के पास होगी कि इनको लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने से रोका जा रहा और उनको वहां नहीं जाने दिया जा रहा। अन्य विपक्षी नेताओं को भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। अरे जो प्रियंका जी अगर वहां जा रही हैं तो पीड़ित परिवारों से मिलेंगी, इसमें क्या है, इसमें रोकने की क्या वजह? हमारी भी 10 साल सरकार थी, हमने तो कहीं नहीं रोका। जहां जो विपक्षी दल जाना चाहता था जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज हैं, वो तो ओबराय होटल के सामने पहुंच गए थे जब वो ऑपरेशन चल रहा था 26/11 का। तो हम लोग तो किसी को कहीं नहीं रोकते थे। और भी जो नेता भाजपा के या दूसरे दलों के जहां जाना चाहते थे जाके लोगों से मिलते थे। ये नया तरीका हुआ कि मिलने जाने नहीं देना, रोका जाए, चारों तरह से बंद किया जाए, बैरिकेड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। पॉलिटिकल लोगों के लोकतंत्र में मूवमेंट को रोकना, ये मेरे ख्याल से सबसे गलत बात है जो की जा रही है। हर जगह हर समय पुलिस के बल पर रोकने का प्रयास किया जाता, बजाय इसके कि कड़ी कार्रवाई की जाए इन लोगों के सामने, इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कृत्य किया है। आप लगातार इनको, विपक्ष के लोगों को, प्रियंका गांधी जी को,
जिस तरह से रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया है, ये पूरी तरह से अवैध है। कांग्रेस पार्टी मांग करती कि तत्काल उनका डिटेंशन को खत्म करके उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, पीड़ितों के परिवार से मिलने दिया जाए, जो किसान मरे हैं उनके परिवारों को जो है मुआवजा दिया जाए, और उसके ऊपर जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री वहां से जिनके जरिए ये सारा कृत्य हुआ है, उनको भारत सरकार से बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जो अन्य कुछ मौतें हुई हैं उनकी जांच भी कराई जाए, वो कैसे हुई, किसने मारा है। आप किसानों पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन वो मौतें कैसे हुई हैं, 3 या 4 तो किसान मरे, बाकी जो हुई वो कैसे हुई है, किसके जरिए, उसकी जांच की भी मांग हम करते हैं। उसकी जांच भी हो कि उन लोगों को किसने मारा, सिर्फ किसानों को दोषी ठहराने के लिए तो कृत्य नहीं किया गया, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उनको मुआवजा दिया जाए, प्रियंका गांधी जी व अन्य हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और नेतागण उनको वहां पे जाने दिया जाए, और जो है केंद्रीय मंत्री को हटाया जाए और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया जाए, और जो भी अन्य भाजपा के लोग इसके लिए दोषी हैं उनको भी तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। ये 5 मांगे लेके कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में उतर रही है, और आपको पता है कि निर्देश ऊपर से जारी हुए हैं पार्टी नेतृत्व के, जिसमें कल हर जिले में, पूरे देश में हर जिले में कांग्रेस पार्टी का डीएम का ऑफिस का घेराव करेगी, जिलाधिकारियों का घेराव करेगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। किसान के साथ अब पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है। आपने देखा होगा किसानों पर लगातार 2 साल से जाति चल रही, जैसे किसानों को अपना दुश्मन और शत्रु सरकार ने मान लिया है, तो इसलिए जो है इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 5 मांगे हमने इसीलिए रखी हैं, और कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी आंदोलन कल होगा हर जिले पे, उसकी सूचना भी आपको देनी थी। देखिए उन्होंने, जैसे कि आपने देखा सारा मीडिया दिखा रहा कि पहले उन्होंने सबको धमकाया था, और इसके बाद जो गाड़ियां कल थी उन्हीं के सब काफिले के लोग थे, उन्हीं के बेटे के उसमें संचालन में थी, तो वो तो हर मीडिया कह रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है, कोई हम नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि उन्हीं का दोष है। डीएम का भी बयान अगर आप देखें तो काफी कुछ उसी लाइन पे, तो निश्चित रूप से दोष तो है। उसी चीज को लेकर मैं कह रहा हूं कि उनको तत्काल जाने दिया जाए, पुलिस माफी मांगे उनसे, उनके साथ जो हैरेसमेंट किया गया, उनको जिस तरह से इलीगली डिटेन किया गया प्रियंका जी को, हर गांव में इस समय पीएससी के कैंप उनको रखा गया, ये बिल्कुल अनुचित है। हम मांग करते हैं कि तत्काल उनको जो है वहां से रिहा करके वहां जाने दिया जाए, और ऐसे जो ये हैं पुलिस वाले जिन्होंने उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए चारों तरफ से देश भर से इस घटना के बाद जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पूरे देश में लोग उत्तेजित हैं, आक्रोश में है। एक जगह की बात नहीं है खाली उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में लोग आक्रोश में, इसलिए निश्चित रूप से हर नेता की प्रतिक्रिया है, उसी में बाकी नेताओं की, चाहे मैंने बोला ना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आंदोलन हो। देखिए वो भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ उच्च स्तरीय जांच करा लो, जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, उच्च स्तरीय जांच करा लो, जो अगर वो मारे भी गए हैं तो उनकी भी जांच करो किसने मरवाया, लेकिन उसके पहले कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होने के बाद आप जांच करो, फौरी कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, वरना मैसेज जाएगा कि है। किसानों को तो एक चीज तो जान लीजिए आप, किसानों को तो हर चीज में भाजपा दोषी ठहराती, सारी गलती किसानों पर डालती है, तो वो तो किसानों के लिए कहेंगे, किसान को तो दुश्मन मानते, ये अभी पता नहीं है। अभी ऐसा कार्यक्रम, प्रियंका जो ऑलरेडी है और उनको डिटेन किया हुआ है, नहीं जो कांग्रेस के नेता है, क्या आप मुख्यमंत्रियों को नहीं जाने दे रहे हैं, आप कांग्रेस नेताओं के, ये भी तो कांग्रेस नेता है, ना पंजाब के मुख्यमंत्री को जाने दे रहे हैं, ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जाने दे रहे हैं, वो दोनों मुख्यमंत्री वहां जाना चाहते थे, बाकी लोगों को लखनऊ से नहीं निकलने दे रहे हैं, यहाँ तक कि प्रियंका जी की सिक्योरिटी की गाड़ी पीछे छूट गई, वो नहीं जो है उन्होंने जाने दे रहे, बड़ी मुश्किल से वो पहुंची, बाकी सारे जितने के काफिले की जितनी कारें थी सबको उन्होंने रोक लिया। तो ये जो पकड़ा धकड़ी है ये तो एक तरह से यूएसपी बन गई है। नहीं, पत्रकार भी बहुत शिकार हो रहे हैं इस सरकार के कार्यकाल में, पत्रकारों की भी मौत हुई, पत्रकारों का भी पीड़न हुआ है, हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है, और जिन जिन पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ है वो निश्चित रूप से उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ, क्योंकि वो तो अपना काम करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।